हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सब? सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ मॉक इंटरव्यू फॉर आरएमएस। जो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए या आरएमसी के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उनके लिए मॉक इंटरव्यू किस तरीके का हो सकता है, कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड पूछे जा सकते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सो इन दिस सेशन, इन दिस इंटरव्यू वी विल बी आस्किंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सो यू कैन नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस एंड यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस के आंसर बच्चे देंगे, यू कैन नॉट डायरेक्टली रिलाई ऑन दोज आंसर्स। आपको डायरेक्टली उन आंसर्स को नोट नहीं करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर अलग अलग तरीके से बताया जा सकता है, और ज़रूरी नहीं कि जो स्टूडेंट आंसर दे रहा है वो बिल्कुल सही है। इंटरव्यू के लास्ट में हम उनके आंसर्स को रिव्यू करेंगे, उनको क्या इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट थी और किस तरीके से उन्हें जवाब देना चाहिए था, इस चीज़ के बारे में हम वीडियो के एंडिंग में बात करेंगे। ये वीडियो एडिटेड नहीं है, एज इट इज़ अपलोड की गई है, जैसे रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए आप इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज से देख सकते हैं और आपको आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम शुरू करेंगे मॉक इंटरव्यू, और इसके अंदर जो है वो मेन क्वेश्चंस पे फोकस करना है, और बच्चे जो आंसर्स दे रहे हैं वो अलग अलग तरीके आंसर देने के हो सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। सो वेलकम कैडेट्स। सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज आयुष। आयुष, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आई एम फ्रॉम हिसार हरियाणा, विच इज ऑल्सो नोन एज स्टील सिटी, एंड इट इज फेमस फॉर स्टील बिकॉज इंडियाज लार्जेस्ट आयरन मैन्युफैक्चरिंग सिटीज। ओके। एंड आई एम इन 7th 8th क्लास, एंड माय हॉबीज टू प्ले फुटबॉल, एंड माय एम इज टू बिकम फील्ड मार्शल। Okay, can you tell me the name of any footballer? Yes sir, there are so many football players. Some famous players are like Cristiano Ronaldo, Leon Messi and more. Speak louder. Okay. कौन से क्लब से और कहाँ से खेलते हैं, कुछ बता सकते हैं आप उनके बारे में? Yes, they play FIFA World Cup like. What is your favorite subject? English. English. Okay. So, can you tell me that what is an abstract noun? Abstract noun that shows feelings like happiness, joy, sadness, hate, love, etc. Okay. So, can you tell me any example of abstract noun around us right now? Air. Air. And very good. And what is the spelling of grammar? G R A M M A R. What is the spelling of guarantee? G U A R A N T E. Very good. So next you tell me that what is possessive adjective? Possessive adjective that show possessions. Like what are possessions? Like it's mine, your, etc. Mine, your. Possession. Who? Kiska, iska. Make any sentence using possessive adjective. This is mine. This is mine. What is mine here? Possessive adjective. Are you sure? Isn't it possessive pronoun? This car. This is my car. Hmm. This is possessive adjective. What is possessive adjective in this sentence? My. My. Because noun is coming after that. Okay. So can you differentiate between possessive noun and possessive adjective and possessive pronoun? Yes. Possessive pronoun doesn't take noun after that, and possessive adjective take noun after that. Okay. Okay. So you told that your hobbies are playing football and nothing else. Okay. So you do play football in your free time? Yes. Okay. So just tell me your favorite player name. My favorite player is Cristiano Ronaldo. And can you tell me something about him? Why he is your favorite player? He played so good. So you want to, what is your aim? You want to become a footballer or you want to become? I like football, but I want to go in defense. In free time I play. How many types of defense services are there? There are three.
इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। ओके, तो आप किस में जाना चाहते हैं? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी, ओके। सो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? जनरल बिपिन रावत। सुमित, सुमित फ्रॉम वेयर आर यू? पुणे महाराष्ट्र, इट इज आल्सो नोन एज डेक्कन क्वीन। ओके, महाराष्ट्र। द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? मुंबई। मुंबई, ओके। सो मुंबई के बारे में आप क्या जानते हैं? मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया इज द फेमस प्लेस टू गो टू पिकनिक। इट इज आल्सो okay, famous place of Mumbai. Speak loud. Okay. Tell me something about your family. I live in Pune, Maharashtra, Kothur. I have one brother and good. We both play. कितने मेंबर आपकी फैमिली में? 4 मेंबर्स इन आवर फैमिली। ओके, कौन-कौन है? फादर, मदर, ब्रदर एंड आई। ओके, सो डिफेंस बैकग्राउंड से कोई है आपकी फैमिली में, कोई भी आपके रिलेशन में? यस, माय ग्रैंडफादर। ओके, कौन सी पोस्ट पे थे वो? डीएसपी। सो योर फेवरेट सब्जेक्ट सुमित? जीके। सब क्वेश्चंस फ्रॉम। ओके, सो कैन यू टेल मी द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा। आर यू श्योर? यस। तिरुपति बालाजी टेंपल कहाँ है? तिरुपति बालाजी टेंपल। आंध्र प्रदेश। ओके, सम क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स फ्रॉम बोथ ऑफ यू। ओके, सो कैन यू टेल मी द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? आर्किमिडीज। ओके, वो फादर ऑफ मैथमेटिक्स उन्हें क्यों कहा जाता है? कैन यू टेल दैट? बिकॉज ही फाउंडेड सो मेनी सब्जेक्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? पी ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 एंड रेज टू पावर टाइम। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर which do not have any common factor other than one and itself. Okay, can you tell me about prime triplets? Prime triplets are those number, like prime triplets are 3, 4. How many composite number are there from 1 to 100? Composite number 25. Do you know what is composite number? Yes. Tell me. At least have one divisor. A number which have at least one divisor. At least one divisor only. No, one and one more than divisor. What is unit fraction? Unit fraction. Its numerator is always one. Numerator is equal to one. ओके, एक स्टूडेंट है, ओके, जो अपनी क्लास में 4th नंबर रैंक है उसका, ओके, और टोटल 20 स्टूडेंट है क्लास में, सो कैन यू टेल दैट व्हाट इज द रैंक ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम लास्ट? यस, लास्ट
ठीक है. हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर? देयर आर फोर मेन डायरेक्शंस एंड देयर आर फोर मोर सब डायरेक्शंस. द ओनली सन ऑफ योर ग्रैंडफादर इज हाउ रिलेटेड टू यू? फादर. Your mother's only brother is how related to you? A maternal uncle. So can you tell me the name of some officers? Do you know the name of some officers in Indian Navy or Army or Air Force? आप डिफेंस बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, सो क्या आपने कभी सर्च किया है, कभी आप देखा है आपने कि ऑफिसर्स रैंक तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए क्या है, कैसे आप पहुंच सकते हैं, कैसे बताइए. फर्स्ट वी हैव टू क्रैक एनडी आफ्टर दैट आवर ट्रेनिंग एंड आफ्टर दैट वी बिकेम एनडीए. व्हाट इज एनडीए? नेशनल डिफेंस एकेडमी. ओके. हां, ये इट इज इन देहरादून. Good. NDA established कब हुआ? Established. Okay. Any questions? Okay. Thank you so much. Okay. Thank you, sir. So now it's time for review. So for the Ayush. You are answering each question very well, but you were limited, like you were not explaining all the things. You were very limited. थोड़ा सा explain करके आप चीज़ों को बता सकते हैं, थोड़ा सा extra words को use कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा use करना भी गलत होता है और बहुत कम use करना भी गलत होता है. तो थोड़ा सा आपको loud भी बोलना है, confidence से बोलना है, और आपको बिल्कुल bounded नहीं रहना, relax हो करके अपनी body language को use करो, खुल करके. थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आपको बांध करके बिठाया हुआ, वो चीज़ नहीं लगनी चाहिए. बाकी आपके आंसर्स कुछ हद तक ठीक थे और उसमें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी लगी. यू आर आई थिंक लिटिल बिट नर्वस एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल. एटलीस्ट कंफर्टेबल होना जरूरी है. मैथ्स में आपसे क्वेश्चन पूछे गए तो आप थोड़ा तैयार कीजिए. मैथमेटिक्स बेसिक, जब भी कोई भी इंटरव्यू अगर आपसे होता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, सो यू शुड प्रिपेयर अबाउट द नंबर सिस्टम. स्पेशली नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. ओके, लाइक जैसे मैंने आपसे पूछा कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर. सो ये सबसे पहले आप अच्छे से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए. ओके, जैसे आपने बताया कंपोजिट नंबर आप सही से नहीं बता पाए इसमें, तो ओके ऐसे आप प्राइम ट्रिपलेट्स नहीं बता पाए. ओके, सो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स, तो आप हमारे इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये बताए जाएंगे. हमारे मैथमेटिक्स पेड कोर्स आप ले सकते हैं. ये वो स्टूडेंट हैं जिनका सरप्राइज इंटरव्यू लिया गया है. ओके, अभी तक इनको किसी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया गया इंटरव्यू के लिए. ये फर्स्ट लेवल का इंटरव्यू है हमारा. टोटल 7 to 8 लेवल्स होते हैं इंटरव्यू के. सो अभी और हार्ड क्वेश्चंस भी होंगे और अभी प्रिपरेशन इनको करवाया जाएगा और उसके बाद फिर आप देखिए किस तरीके से ये बच्चे किस तरीके से आंसर बता पाएंगे. ये जस्ट एक डेमो इंटरव्यू है. ओके, कि किस तरीके से होगा. ये भी अभी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस कर रहे हैं. ओके, सो आप यहाँ से काफ़ी कुछ आपको आई होप सीखने को मिला होगा. सो फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन में. ओके, जिसमें हम काफ़ी और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे सेकंड लेवल इंटरव्यू. थैंक यू सो मच फॉर दैट.